हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आइसोमेरिज्म वीडियो सीरीज के इस फिफ्थ एपिसोड में मैं राजीव शर्मा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहा हूं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। इससे पहले मैं चार वीडियोस जो किए हैं उसमें मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिटेल में डिस्कस किया था। और यदि आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को रिफ्रेश करना चाहते हैं या उसको रिकैप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइसोमेरिज्म सीरीज की प्लेलिस्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसे वर्ड सजेस्ट करता है, इट इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसा मैंने पहले ही क्लियर किया है कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो इसमें हम बेसिकली जो मॉलिक्यूल है उसको 3D में या स्पेस में देखते हैं, और स्पेस में मॉलिक्यूल की एटम्स या मॉलिक्यूल जो उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसकी अरेंजमेंट के हिसाब से जब हम इस आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं तो उसे हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म का दो पार्ट्स हैं, एक ज्योमेट्रिकल है और दूसरा ऑप्टिकल है। तो इस वीडियो में मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें मैं सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म और EZ सिस्टम को डिस्कस करूंगा। तो अब यदि हम देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की सबसे बेसिक कंडीशन ये है कि उसमें जो ये आइसोमेरिज्म है तभी होगा जब sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम होगा। अब जैसे जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पे होगी तो इट शुड बी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम होगा, और यदि नाइट्रोजन को कार्बन नाइट्रोजन को हम ले रहे हैं तो उसमें भी अब कार्बन नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम हो जाएगा, या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा तब भी वो sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम हो जाएगा। तो इस तरह से हम बेसिकली तीन डिफरेंट सिस्टम्स हो सकते हैं हमारे पास जिसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है कि sp2 हाइब्रिडाइज होना जरूरी है। इसमें एक एक्सेप्शन आती है जब हम साइक्लिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म लेते हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं होगा वहां पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा और वो sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम होगा। पर वहां पे क्योंकि जो प्लेनर स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसके हिसाब से हम बेसिकली उसमें आइसोमेरिज्म दे रहे हैं, और वो मैं लेटर इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की सेकेंड कंडीशन देखते हैं। तो अब इसमें मैं स्पेसिफिकली सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहा हूं, और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन में जहां यदि हम एक लॉन्ग चेन कार्बन की ले रहे हैं और वहां पे जहां पे कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है या वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है या तो वो sp3 हाइब्रिडाइज है या sp हाइब्रिडाइज है कार्बन चेन में, तो जहां sp हाइब्रिडाइजेशन होगी वहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, और जहां sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे वहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा यदि हम एलिफैटिक चेन की बात कर रहे हैं। तो एलिफैटिक चेन पे हमारे को सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम होना चाहिए, या फिर उसमें मैं ये कह सकता हूं कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होने चाहिए, तो उनके बीच में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन देखें तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास उसके साथ चार ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। उस सिस्टम के साथ जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम होगा उसके साथ चार ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। उन चार ग्रुप्स में से एटलीस्ट दो ग्रुप सेम होने चाहिए, और वो दो ग्रुप्स होने चाहिए दोनों डिफरेंट कार्बन एटम पे प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम है, जो ए ग्रुप है या तो वो मतलब जिस तरह से ए ग्रुप सेम साइड पे या ऑपोजिट साइड पे मैंने डायगनल पे प्लेस किए हुए हैं, तो इस तरह से दोनों ग्रुप्स प्लेस होने चाहिए। यदि इस तरह से ग्रुप्स प्लेस हैं तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होने का चांसेस होगा, पर यदि दो ग्रुप सेम नहीं है तो हम डिफरेंट टाइप का सिस्टम यूज करते हैं, पर वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक पुराना IIT का क्वेश्चन है और वो बड़ा सिंपल सा इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि हमने फाइंड आउट करना है कि किस में आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस मॉलिक्यूल पे एग्जिस्ट करेगा। तो हम यदि फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें देखें तो एक कार्बन एटम पे दो हाइड्रोजन एक साथ एक ही जगह प्रेजेंट है। अब क्योंकि किसी भी साइड पे यदि दो सेम ग्रुप्स प्रेजेंट एक ही कार्बन पे होंगे तो उस मॉलिक्यूल पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन है उसमें दो हाइड्रोजन एक ही साथ प्रेजेंट है तो इसलिए उस पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं एग्जिस्ट कर रहा। वैसे ही हम यदि सेकेंड स्ट्रक्चर देखें तो सेकेंड में क्या है कि क्लोरीन
लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, और वो क्या है कि दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो इसलिए उस पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यदि हम लास्ट देखें तो लास्ट वाले में दोनों कार्बन आइटम पे बेसिकली क्लोरीन और ब्रोमीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ सेम एटम्स प्रेजेंट हैं और दोनों एटम सेम हैं, तो उस पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जो हम अभी कंडीशन डिस्कस कर रहे थे उसके हिसाब से सिर्फ थर्ड ऑप्शन ऐसी हो जाएगी जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। और यदि मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताऊं तो ये किस तरह से हो जाएगा, तो इस तरह से दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ सकती हैं। अब क्योंकि दोनों डिफरेंट कार्बन एटम्स पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए इस स्ट्रक्चर पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब यदि हम अंडरस्टैंड करें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से हो रहा है, तो यदि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम देखें तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, पर क्योंकि दोनों कार्बन एटम पे जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो बेसिकली दो ट्राइंगल सुपर इम्पोज करेंगे और हम उसको कहेंगे कि दैट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। तो जब सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम होता है तो वहां पे वो प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है। अब प्लेनर स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो पाई बॉन्ड होंगे वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल हो जाएंगे, मतलब जो कार्बन सिग्मा बॉन्ड कार्बन बना है उसका जो प्लेन परपेंडिकुलर हो रहा होगा उस पर पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। तो क्योंकि यदि हम हाइब्रिडाइजेशन देखें और यदि sp2 आप हाइब्रिडाइजेशन रिवाइज करना चाहते हैं तो इस समय जो लिंक डिस्प्ले हो रहा है उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो क्या होगा कि इसमें जो pz ऑर्बिटल एक्सक्लूडेड फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे और वो साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने लेफ्ट हैंड साइड के स्ट्रक्चर में बताया है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम का प्लेन है और उसके परपेंडिकुलर जो है दो पाई बॉन्ड्स है और वो साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं। अब क्या है कि जो ये पाई बॉन्ड का प्लेन बनता है हम बेसिकली इस प्लेन पे मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल को जब बाइसेक्ट करेंगे तो यदि दोनों सिमिलर ग्रुप, जो अभी मैं पीछे डिस्कस कर रहा था कि दो सिमिलर ग्रुप्स होने चाहिए, यदि वो दोनों सिमिलर ग्रुप किसी भी एक साइड पे प्रेजेंट हो ऑफ दिस बाइसेक्टिंग प्लेन तो हम उसे सिस आइसोमर कह देंगे। पर यदि दोनों जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट साइड पे हैं बाइसेक्टिंग प्लेन पे तो वो ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। जैसे भी मैं पीछे जो एग्जांपल बता रहा था जहां मैंने दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे लिए थे तो उसको हम कह देंगे सिस आइसोमर है, और जहां दोनों हाइड्रोजन मैंने ऑपोजिट साइड पे लिए थे तो उसको हम ट्रांस आइसोमर कह देंगे। तो इस तरह से सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं कि सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कि यदि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम के साथ चारों के चारों ग्रुप्स डिफर कर रहे हैं, कोई भी दो सिमिलर ग्रुप्स नहीं है, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हम उसमें जो आइसोमेरिज्म यूज करते हैं या नॉमेनक्लेचर का सिस्टम यूज करते हैं उसे हम EZ सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह से EZ सिस्टम हो जाएगा। EZ सिस्टम का जो बेसिक है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम होना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए, चारों ग्रुप्स जो कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हैं वो डिफरेंट होंगे, तभी हम EZ सिस्टम यूज करेंगे। तो अब इसको देखते हैं कि इसके लिए क्या है कि हम उन चार ग्रुप्स में से अब क्या होता है प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए जो हम रूल्स यूज करते हैं वो कैन इनगोल्ड परलॉग रूल्स यूज करते हैं, या उसको शॉर्ट फॉर्म में हम CIP रूल्स भी कहते हैं। तो फटाफट देखते हैं कि CIP रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो रूल है इसमें कि हम जो कार्बन एटम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम का जो कार्बन एटम है कोई एक कार्बन एटम कंसिडर करेंगे उस सिस्टम में से, और उसके साथ जो दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं उन दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो उन दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड करने का तरीका ही हो जाएगा कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम के कार्बन के साथ उसको कंसिडर करेंगे। जैसे हम स्ट्रक्चर में देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे है अल्कोहल ग्रुप और इथाइल ग्रुप ज्वाइन है, तो अल्कोहल ग्रुप में से क्या है ऑक्सीजन डायरेक्टली ज्वाइन है कार्बन के साथ, और इथाइल ग्रुप में से कार्बन एटम जो है वो डायरेक्टली ज्वाइन है कार्बन के साथ। अब यहां पे हम इन दोनों एटम्स के मतलब ऑक्सीजन और कार्बन इन दोनों एटम्स की जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किए हैं इन दोनों एटम्स के हम एटॉमिक मासेस को कंपेयर करेंगे, और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसको हम प्रायोरिटी दे देंगे। तो क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ज्यादा है इसलिए ऑक्सीजन को हायर प्रायोरिटी मिल जाएगी। वैसे ही राइट हैंड साइड पे देखें तो नाइट्रोजन और बेसिकली कार्बन को हम कंपेयर करेंगे क्योंकि वो दोनों एलिमेंट जो है डायरेक्टली बॉन्डेड है टुवर्ड्स द राइट साइड कार्बन एटम जो सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम का है। अब इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास ज्यादा है तो नाइट्रोजन को प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो फर्स्ट रूल ये है कि जो डायरेक्टली बॉन्डेड एलिमेंट होगा उसको हम कंसिडर करेंगे फॉर डिसाइडिंग प्रायोरिटी। नेक्स्ट रूल देखते हैं।
अब नेक्स्ट रूल ये हो जाएगा कि सपोज हमारे पास कंडीशन ऐसी आती है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम है, जैसे राइट हैंड साइड के कार्बन पे देखें, राइट हैंड साइड के कार्बन पे के साथ जो है बेसिकली मिथाइल क्लोराइड जॉइंट है और मिथाइल अल्कोहल जॉइंट है, दो ग्रुप्स जॉइंट है। अब यहां पे क्या हो जाएगा कि दोनों कार्बन एटम सेम है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सेकेंड एलिमेंट जो एडजॉइनिंग एलिमेंट में सेकेंड जो हायर होगा उसको कंसिडर करेंगे। अब यहां पे सेकेंड में एक तरफ ऑक्सीजन है एक तरफ क्लोरीन है, तो अब क्लोरीन का एटॉमिक मास ज्यादा हो जाएगा, जो मैंने दो एलिमेंट्स रेड से हाईलाइट किए हैं। अब क्लोरीन का क्योंकि एटॉमिक मास ज्यादा है तो इसलिए हम क्लोरीन की मतलब उस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, तो हायर प्रायोरिटी हो जाएगी। और यदि हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हाइड्रोजन और कार्बन एटम है। अब ये यहां पे मैं फर्स्ट रूल यूज कर रहा हूं कि यहां पे जो है कार्बन का एटॉमिक मास ज्यादा है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कम है, तो कार्बन जो मिथाइल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। सो अकॉर्डिंगली इस तरीके से हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। अब थर्ड रूल देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहां पे हमारे को टोटल सारे एलिमेंट सेम है, तो उसके बाद उस समय हम क्या करेंगे। अब हम राइट साइड के ग्रुप्स देखें तो सबसे पहला जो है कार्बन कार्बन बॉन्डेड है, कार्बन के बाद देखें सेकंड हायर जो हो जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है दोनों में। उसके बाद थर्ड हायर देखें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तीनों में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हम यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं देखते, टाइप ऑफ एलिमेंट देखते हैं। तो दोनों ग्रुप्स में कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो इसीलिए अब क्या करेंगे हम किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में कंपेयर करेंगे कि कितने बॉन्ड्स हैं। तो जो ऊपर वाला ग्रुप है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पर जो नीचे है प्रेजेंट उसमें कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है। तो क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जो है, हम वहां पे रूल ये कहता है कि यदि डबल बॉन्ड है तो दो नाइट्रोजन हम प्रिज्यूम करेंगे, यदि ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम तीन नाइट्रोजन प्रिज्यूम करते। तो उस तरह से क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन का, क्योंकि दो नाइट्रोजन होंगे तो उसका टोटल एटॉमिक मास ज्यादा हो गया, नाइट्रोजन या सेकंड हायर, उसमें सेकंड हायर दो बार नाइट्रोजन हो जाएगा और नीचे सिर्फ सिंगल बार नाइट्रोजन होगा। इसीलिए क्या हो जाएगा कि जो जिसमें डबल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन वाले ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। अब जब हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली दोनों साइड के ग्रुप्स की, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही उसको डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो ई है या जेड है, तो वो देखते हैं। तो अब इसमें हम डिसाइड करने के लिए सेम वही करेंगे कि जो पाई बॉन्ड का प्लेन है उस पाई बॉन्ड के प्लेन के अक्रॉस हम मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट कर देंगे। अब बाइसेक्ट करने के बाद यदि दोनों हायर प्रायर ग्रुप सब किसी भी एक साइड पे आ गए ऑफ द बाइसेक्टिंग प्लेन, तो हम उसे जेड आइसोमर कह देंगे। पर यदि जो हायर प्रायर ग्रुप्स हैं वो डायगोनल पे प्रेजेंट होंगे, मींस एक हायर प्रायर ग्रुप एक साइड बाइसेक्टिंग प्लेन के, दूसरा हायर प्रायर ग्रुप दूसरे साइड पे है प्रेजेंट, और वो दो डिफरेंट कार्बन एटम्स पे हैं, तो वो जो हो जाएगा ई आइसोमर हो जाएगा। तो इस तरह से हम बेसिकली ई जेड आइसोमर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं कि साइक्लो कंपाउंड्स में किस तरह से हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म देखेंगे। तो अब साइक्लो कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो प्लेनर साइक्लो स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे ब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन है या साइक्लोपेंटेन है, तो अब साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन का जो प्लेन हो जाएगा हम उसको बाइसेक्टिंग प्लेन मान लेते हैं। अब जब उसको बाइसेक्टिंग प्लेन मान लेंगे तो जो बॉन्ड्स हैं, जब दोनों ग्रुप्स सेम साइड पे प्रेजेंट होंगे उस बाइसेक्टिंग प्लेन के, तो हम बोलेंगे कि वो सिस आइसोमर है। पर जब ऑपोजिट साइड ऑफ द बाइसेक्टिंग प्लेन हो जाएंगे तो हम उसको ट्रांस आइसोमर कह देंगे। जैसा इसमें मैंने बताया कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें जो ए है वो बेसिकली एक ऊपर है बाइसेक्टिंग प्लेन के और एक नीचे है, तो इसलिए वो ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। और सेकेंड स्ट्रक्चर में ए ग्रुप जो है दोनों प्लेन से ऊपर है, तो वो सिस आइसोमर हो जाएगा। यदि आप आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट, मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस असाइनमेंट्स या नोट्स ढूंढ रहे हैं, तो चेक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप ये सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। आप कहीं मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम तो नहीं विजिट कर रहे हैं? यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करते हुए ध्यान रखना कि आपने बेल आइकन भी प्रेस करना है और उसमें नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशंस को टिक करना है। आप मुझे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स से फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।